हमें खबर मिल गए सो गए खुद के वैसे गौर करो। मैं आजकल एक बयान ऐसा बोला था, लाइट बंद करके बोलता था, बयान क्या करता था लाइट बंद करके बोलता था, ऐसा महसूस होता लोगों को हंक्या मुझे सब्जी दे करता था, सब्जी हंक्या मुझसे एक तो अंधेरा मेरे ऊपर से साहब हंक्या मुझे डबल अंधेरा, उसमें मैं क्या करता सैर कराता था, कहीं की सैर कराता था, तुम्हें मर गए तुम्हारे मुंह पर कफन का कपड़ा पड़ा है, हंक्या मुझको अंधारा है लाइट फिर हंक्या मुझको है, गौर कर मैं देखते मैं दिख रू कहते मई सो को है मेरे ऊपर कफन का कपड़ा डाल को है, तुम्हें गौर करो तो सबका आया, उन्हें वहां से आया, उन्हें बम्बई से आया, उन्हें बेंगलुरु से आया, उन्हें कर्नूल से आया, उन्हें रोहरा सब्जी दे दी, तुम्हें पुकारना चाह रही हूँ उन्हें सुन रहे नहीं, ये यो यो भाई बड़े सारे मेरे बयान को सुनते सुनते तस्वुर में वो पिक्चर चलाते थे, एक तो हंधारा फिर हंक्या मुझको स्टोरी तो हो गई सी, ले को जनाजा तुम्हारा ले को बाहर निकाले सबके सब बेटा बेटा आओ बेटा, उन्हें क्या बोला खबर कहा खोदना कराए हमारे बाप को कहा रखना कराए, ये क्या करे भाई इसके वास्ते पूरा कमा कमा करा के इन्हें क्या मरे सब चार घंटे भी गुजरे थी कहा करना खबर कहा खोदना करा इन्हें हंगे मुझ ले आए नहीं हंगे मुझ रहा ख्याल कर रहा मेरा बेटे के वास्ते ये मेरा बेटा ऐसा है तब दमड़ी रखता नहीं दमड़ी रखता नहीं दमड़ी रखता नहीं इसे इन्हें मुझे मारने के बाद चार घंटे में रख रहा नहीं घर में खबर खोदने जाता है इन्हें राइट अब समझ में आ रहा है उसे पिक्चर क्या है दिमाग में आ रहा है हंक्या मुझ हो गई हूँ भाई हंक्या मुझ मैयत दिखा रहा हूँ उनकी वहां मैयत दिख रही हंक्या में क्या तुम्हारी मैयत लेट को है तुम्हारा पानी नहलाया जा रहा देखो साबुन तुम्हारे हंक्या में जा रहा है बाजू को वाला तुम्हारा अजीज मैं गुसल दे तो मेरे भौनी को तो आया इन्हें भाई गुसल देते मेरे भाई को तो आया इन्हें हंकी में जा रहा से भी उसका ख्याल नहीं है ऐसे वक्त में तुम्हें बेजान पड़ को है अब आगत आई नहीं फिर उसके बाद लगाए मुंह में कफन का चॉकलेट बनाते चॉकलेट इधर एक लपड़ते समझ में आ रहा है टॉफी बनाया लगा आ सब जिन्हें आखिरी दीदार करो सूरत देख रहे लास्ट में बड़े दाल डालते से लग जग मट्ठी में अब देखो अगर सुनो ये उसके जनाजे में क्या लोग आए थे क्या कहीं को ऐसे मुंह मट्ठी डाल ऐसे हम भी क्या समझ रहे थे इज्जत को आए समझे इज्जत को आए थे तो पहले फोना में बात करते थे फोना में बात कर रहे नहीं आए तुम फोना में लड़ते थे मरा ससे मुंह मट्ठी डालने कैसे आए सो आए देखो तुम्हारा जनाजा लेको जा रही जरा तस्वर करोगे तो इन मत रो रहे थे शुरू कर खड़े रोना घर में से तुम्हारा जनाजा निकल रहा घर की गली से निकल रहा लोग सब्जी ने देख रही वो जयबुन मूवी देख रही मालंग मूवी देख रही तुम्हारा जनाजा जा रहा देखो मामला कैसा आएगा बोले तो सही भी मैं मर गया कलिया करा इन्हें बयान सुनने के बाद सही भी मैं मर गया कलिया साहब तुम्हारा बयान ऐसा रहा था मुझे मालूम नहीं था अंधारे में बिठा को आएगा मुझको कपट पिना रही दूसरों का पास फैला रही यहाँ कुछ खत्म नहीं हुआ चलो अभी खबर का अभी तो मिन पिक्चर वहां है सुनो अच्छा गौर से ये बात तुम्हारे दिल में रख ले को आज रात कुछ चक्कर ना तुम्हें और एक भी प्लान रात में जा क्या करना शाल ओढ़ते तो बा शाल तो घट्टू ओढ़ लेंगे पीछे से कवर कर ले ऊपर से ओढ़ ले सर्रा ख्याल करो ये मेरा कफन गना आज रात कुछ चक्कर ना करते नहीं करते करे तो मालूम होता दिल साफ होना है दिल साफ होना क्या करना ये खबर याद करना खबर याद करे तो कौन साथ आने वाले नहीं बा इनके पीछे मैं कहीं पड़ोसो अल्लाह तू कहा है तुझे कैसा राजी करना बोल कर जब ये बाहर निकलती सुबह पहले अपना मालूम होना नहीं वजूद खत्म होने वाला है वो कैसा शाल भरती ओढ़ लेना चॉकलेट बना लेना हमें सोचना कफन में मैं लटक हूं फर्क क्या है कहता मैं जरा हूं कह रहा तो अम्मा बच्चा रहे कहता जब उठने को नहीं दूसरा जना उठाना दूसरा जना नहलाना रे यहां जरा साबुन लगा रहे थे दाल पानी का तो जब अब उठ सकता इतना फर्क है सो वहां जाने के बाद खबर में सुनो ऐसे ऐसे डायलॉग आए मेरे दिमाग में मैं देखा सो तुम्हें भी देख रहे थे क्या करेक्ट बोले शायद कितने जनाते में कहेंगे तजुर्बा अच्छा है शायद को गलत में सुनो लकाते लका भाई इधर रखो इधर बाजू मजारा रहते मजारा के ऊपर चपला खेल रहे थे इन्हें जाकर खड़ो कर लगो इसके जनाजा लका को रख वहां शुरू खवाला इन्हें उसके खवाला उसे खबरस्तान में भी फोन बात करते रहते रस्ते में जनाजा जा रहा रस्ते में फोन मैं आया था इन्हें मरा गया तो मैं हूं जाने वाला हूं काम से यू कहा गया जनाजा देख लगा कर दूंगा फोन में गिरी ने जनाजे के पीछे गैस वाले समझ में आ रहा तुम्हें जनाजे खांदा देते नहीं जरा इसमें भी है जरा सोचे तो मालूम होता इधर 10 कदम इधर 10 कदम इधर 10 कदम इधर 10 कदम कई को ये 40 कदम चले तो तुम्हारा दिल के
और आरजुआ है, ख्याला है, बदलते रहते, तुम्हारे को कई कुछ चलो बोले बोले तो आज इन्हें है कल हमें जाने का है, तो समझ में आना हम ना वो भी नहीं है, हम ना क्या है, कोई कोई कता ही नहीं। मैसेज आया तो चक्कर था, पहले फोन चक्कर था, कब्रस्तान में भी फोन चल रहा हूं, कोई 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 बज रहा हूं, मैसेज आया। अब जरा जिन्हें जवान बच्चों को अच्छा समझ में आता, वो कुई कुई की आवाज से इतनी मोहब्बत कब आता की क्या नहीं की, वो मैसेज आया तो बस उसका चरिंगा समझ में आ रहा नहीं आ रहा, उसका चरिंगा उन्हें मड़े पर लगाती सोने लग जा खबर में कहीं को तो इन्हें इसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हुआ, इसकी मोहब्बत ने सरका, उससे आदि भी रब से मोहब्बत करा तो वली बन जाता था इन्हें, उसका मैसेज आया रहेंगा अगर तो खबरस्तान में भी देख रहा उसे मुर्दे को लगा, लाओ भाई लाओ भाई, हल्लू उतारो भाई, हल्लू उतारो भाई, खबर बेते जा रही, हाँ बीमारी उतारो, हंग्या मुचो खोलना नहीं, हंग्या हंग्या में पिक्चर दिख रहा है, कफन उतारा नीचे उतारा, देखो कफन में तुम्हारा मुंह लपट को है, बाहर इतनी खिड़की है सब, इधर का भी देखने की नहीं, इधर भी मट्ठी इधर भी मट्ठी खुली से इतनी जगह, उसमें देखो उधर मामू है, उधर चाचा है, उधर इमाम साहब है, इमाम गसान है, ये मेरा बेटा है, इन्हें मेरा साला है, सब एक्टिंग आ गए थे, सब के सब बाहर रहते, कौन औरत नहीं मरद बने चलते, तुम्हारे साथ फिरे वाले पिक्चरा देखे वाले सब जिन्हे रहते खरीब खरीब छोड़ रहा वहां खबर में ठहरा कर को देख रहा, दोस्त सामने ठहरा, एक जना क्या करता, देख मट्ठी लौरे करता एक जना, कौन बोल रहा सो दोस्त ही बोल रहा सो बंडे उतारो रे कहता है कि ना, अंदर बैठे बैठे ख्याल करो वह तो लास्ट बंडे उतारे तेरे खबर में, ख्याल कर आज रात को पिक्चर देख मालूम होता, दिल की धड़कन बढ़ती, अम्मा गया आज कलिया था वही बचा ले, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह तेरी मस्जिद का आएगा कल फजर नमाज को जाना तुम्हें, समझ में आ रहा, एक बंडा उतरिया पाव के पास रखे पावा गए, फिर दूसरा बंडा उतरिया जरा घुटने के पास आए वो निकल गए, अब तीसरा चौथा बंडा कहाँ था, कंबर को एक मुंह को एक, आखिरी बंडा यू पड़ा है, तीसरा बंडा चौथा बंडा पड़ते तुम्हारे को क्या समझ में आ रहा, देखो कहता भाई क्या दिख रहा तुम्हारा, सारे लोगों के वास्ते जिंदगी खराब करे थे उन्होंने सब के सब मट्ठी डालने के वास्ते तैयार है, अब ये सिल डाल दिए, यहां कुछ पिक्चर खत्म नहीं है, यहां सिल दबड़ने के बाद ये सिल्ला के बीच में जगह रहती जरी वहां से तुम्हारा ख्याल क्या है, देखो जरा चाक को देखो कौन तो दिखता है, देख क्या तो दिख रहा है, क्या बोला चिक्कड़ ला रहेगा था फिर जो हो जी चिक्कड़ लगा को दो सिल्ला के बीच में जो सांध है थप्पू वो थप थप की आवाज खबरस्तान में आने वाली, तुम्हें रात में अकेले बैठ को सोचे तो तुम्हारा दिल भी डब्बू बोलता कहीं को, आखिरी सिल पड़ गई, सांद जो बची है जो रिश्तेदार के वास्ते जिंदगी गुजारा था उन्होंने सबके सब लगा को, एक जना मट्टी पूछ रहा, एक जना बंडे पूछ रहा, एक जना चिक्कड़ लगा को थोप रहा, फिर एक जना बोलता अरे घड़ा लाओ और घड़ा लाओ पानी कहीं को रहेगा, तो कच्ची रे तो मट्ठी उठती नहीं तो उड़को आए करेंगे दालो मट्ठी उठना नहीं, नहीं 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 वो कोसे की जानवर आते गए मुर्दे को खाते गए वो कच्ची मट्ठी के लिए जरा पुख्ता रहती, जानवर को तकलीफ होती उन्हें खोजने से रखा जाता, बच्चे की मुर्दे की जान बचाने के वास्ते जिस्म को तरोताजा रखने के वास्ते ये डालते, वो सब नहीं, वो बात समझ में आ रही है, कहा उठको आता बुरबुरी मट्ठी भी नहीं कच्ची थोप को रख रही हूं, वजन वजन उठको आता नहीं कौन भी, मगर फिर भी पूरा पक्का इंतजाम कर रही नहीं कर रही। उसके बाद मेरा जुमला क्या रहता, उस वक्त सारे रिश्तेदार तमाम दोस्त यार यहां तक के तमाम मोहब्बत भरी दुनिया में सबसे ऊंची मोहब्बत मां की मोहब्बत, मगर मां भी कब्र तक आने के लिए तैयार नहीं, बाप भी कब्र के लिए कब्र तक आने के लिए तैयार नहीं, रिश्तेदार भी कब्र के अंदर आने के लिए तैयार नहीं है, तो कोई जिसके लिए अपनी जिंदगी के कई महीने दे दिए वो भी कब्र में आने के लिए तैयार नहीं, ऐसे वक्त में याद करो कि जिस जिसके लिए अपनी जिंदगी खराब की थी वो सब के सब कब्र के बाहर है, घर में अंधेरा हो गया, कब्र अंधेरी घोर है, ऐसे वक्त में कौन साथ देने वाला है, तो उस वक्त रहमतुल लिल आलमीन ने आवाज दी, रहमतुल लिल आलमीन ने आवाज दी, कहा ऐ मेरे उम्मती मत घबरा, जहां तुझे तेरी मां का चेहरा नजर नहीं आएगा वहां तेरे नबी का जलवा नजर आएगा। अब उस वक्त समझ में आया उस नबी के लिए हम, नबी ने नमाज पढ़ा भी पढ़ाया भी,
और कब्र के अंधेरे में आए तो हमें बचाया भी। उस नबी की आंखों की ठंडक है नमाज, रूह की बालिदगी के जरिया है नमाज, बंदे को रब से मिलाती है नमाज, बंदे को बंदा बनाती है नमाज, साजिद को साजिद बनाती है नमाज, मस्जिद का बंदा बनाती है नमाज, दिल के पर्दे पड़े हुए उस पर्दे को उठाती है नमाज, मौलाए कायनात के करीब करती है नमाज। वो नमाज मेरे नबी की आंखों की ठंडक है। तो उस नबी उस वक्त फरिश्ते आने वाले आ रहे होंगे उस वक्त, मा कुंत तकूलु फी शान हाज़र रजुल, इस मर्द के बारे में क्या कहा हो, क्या कहा करता था। उस तीसरे सवाल पर जरा गौर करो, आंख बंदिश है, आंख बंदिश है, पूछो फरिश्ते सवाल क्या करेंगे, तो कहा हाँ, वर रब्बु का रब्बी अल्लाह, मा दीनु का दीन इस्लाम, मा कुंत तकूलु फी शान हाज़र रजुल, इस मर्द के बारे में तुम दुनिया में क्या कहा करते थे, किस मुंह से हुजूर को चेहरा दिखाओगे, यही कहोगे आखा बीवी की मोहब्बत में ब्याज को पैसे लाकर उसकी ख्वाहिश पूरी करा, क्या ये कहोगे कि दुनियादारी की जेब और जीनत मुझ पर इतना हावी हो गई थी आपका ख्याल नहीं आया, क्या ये कहोगे या रसूल अल्लाह तमाम अंबिया की सुन्नत ही चेहरा छोड़ना, मैं इसे गंदी नालियों में बहाया करता था, क्या ये कहोगे कि या रसूल अल्लाह आपने हमारी याद में हमारी मगफिरत के लिए रात रात रोकर रब को मनाते रहे, या रसूल अल्लाह आपको 100 मर्तबे भी दुरूद पड़े बगैर सोया करता था, क्या ये कहोगे। याद रखो मुसलमानों, औरतें तुम भी कान खोल करके सुन लो, जब शादी की पहली रात होती है, बूढ़ी औरतें जवान दुल्हन को समझाकर बुझाकर भेजती है, कहती है कि बेटा आज तुझे तेरे शोहर को राजी करना है, दुल्हन को लाल जोड़ा पहनाया जाता है, याद है कि नहीं, देखे नहीं देखे, लाल जोड़ा दुल्हन को पहनाया जाता है, कानों में गोशवारे डाले जाते हैं, पांव में पाजेब डाले जाते हैं, हाथों में कंगन चूड़ियां पहनाए जाते हैं, क्योंकि आज की रात मिलन की रात है, इसका शोहर उसे देखे जेबो जीनत के साथ, इसे पसंद करे, इससे राजी हो जाए। यही जुमला जहन में रखकर कब्र में जाने के लिए मुर्दे पर ख्याल करो, यहां दुल्हन को लाल जोड़ा पहनाया गया था, यहां कफन की शक्ल में सफेद जोड़ा पहनाया गया। जिस तरह पहली रात में बीवी को शोहर को राजी करना होता है, उसी तरह हमें और आप हर उम्मती को नबी को राजी करना होता है। उस रात हमारे अंधेरी कब्र को मुनव्वर बनाएंगे, ऐसे वक्त में सरकार आए और आकर हमारा चेहरा देखें। दुआ तुम्हारी और हमारी यही होनी चाहिए, मेरे आका चेहरा दिखाने के लिए जब आए और फरिश्ते कहे इस मर्द के बारे में क्या कहा करता था, तो मेरी और आपकी ख्वाहिश ये होनी चाहिए मैं जवाब बाद में दूं, कमली वाला पहले कहे कि मेरा उम्मती है। उस मंजिल को पाने के लिए कितने कांटों को अपने सीने पर लेना होगा, तैयार हो जाओ। हुजूर की वो चेहरे को देखकर उनकी मुस्कुराहट के लिए अपनी जिंदगी के दिन और रात कुर्बान कर दो। वही करो जो मेरे नबी ने कहा, वही सुनाओ जो मेरे नबी ने कहा। आखिरी बात है, जब हमारे कब्र में हम लेटने वाले हैं, हमारे अमाल अच्छे हमारे यार को पसंद आ गए, मेरे यार आपके यार मदीने के ताजदार को पसंद आ गए, तो बोलिए दूसरी रिवायतों में आपने ये नहीं सुना, तीन सवालों के जवाब देने वाले के लिए जन्नत की खिड़की खोली जाती है। यहां सुहागरात में दुल्हन पास जिंदगी जन्नत, वहां कब्र में उम्मती पास कब्र में ही जन्नत की खिड़की खोल दी जाती है। यह है पूरा फलसफा।